गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक वीडियो है जैसे सेकेंड ईयर जूलॉजी पेपर थर्ड से। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। तो एंजाइम के सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले कोहनी 1878 में एंजाइम वर्ड का यूज किया। एंजाइम वर्ड को का क्या करा, यूज किया, एंजाइम वर्ड का यूज किया। दूसरा बुचनर 1897 में सबसे पहले ईस्ट के फर्मेंटेशन द्वारा एक सब्सटेंस प्राप्त किया, ठीक है, जिसका नाम जाइनेज। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, नोबेल प्राइज को दिया गया, ठीक है। तीसरा है हमारा जैन समय। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैक बीन से यूरेंस नामक एंजाइम को क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त किया। और लास्ट में हमारे जॉन स्नॉटन, इन्होंने पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन को किसकी क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त किया। डेफिनेशन, तो सभी एंजाइम डेफिनेशन को भी हम पॉइंट वाइज देखेंगे। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और ये बायो कैटालिस्ट होते हैं। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ये बायो कैटलिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि जितने भी एंजाइम सब्सट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर सब्सट्रेट पर ही रिएक्शन करते हैं, पर्टिकुलर सब्सट्रेट पर ही रिएक्शन करते हैं। तीसरी बात है, जितने भी एंजाइम होते हैं ये पर्टिकुलर पीएच पर क्या है, सभी एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर भी एक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्शन करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक्शन करते हैं। ये टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर है इनका 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री होता है, यानी कि इस टेम्परेचर पर ये अपना ऑप्टिमम इफेक्ट शो करते हैं या मैक्सिमम इफेक्टिव होते हैं। यानी कि टेम्परेचर से कम होने पर या ज्यादा होने पर ये इनएक्टिव हो जाते हैं या स्ट्रक। तीसरी बात है, देखिए तो एंजाइम क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही एक्शन करते हैं और उनका जो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 25 से 40। 40 डिग्री से अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय। और अगर 25
से कम हो जाता है टेम्परेचर तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि एंजाइम 25 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर ही इफेक्टिव है। लास्ट है कि एंजाइम की जो रिएक्शन होती है, एंजाइम की जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है। कैसे होती है? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।